हाय दोस्तों, आज का वीडियो हमारा प्रोडक्शन पर है। और प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे हमने दिखाया है पीपीआई और पिक पर मिनट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या मल्टीप्लाई से हमें प्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम डिटेल दिखाते हैं आपका पीपीआई को। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 7 व्हील टेकअप मोशन में ये पहला व्हील है रैचेट, और ये स्टैंडर्ड चेंज पिनियन, कंपाउंड पिनियन, एमरी बीम व्हील और एमरी बीम सरकमफेरेंस, ये सभी चीज़ें हैं। और इनके कैलकुलेशन से पीपीआई मिलेगा हमें, और वो कितना है यहाँ पे हमने दिखाया है 64.32 पिक पर इंच, 64.32 ये आया। और पीपीएम के लिए वो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था लूम स्पीड में कि मोटर आरपीएम 900, मोटर पुली सरकमफ्रेंस 7 इंच, लूम पुली सरकमफ्रेंस 63 इंच। इन सब के कैलकुलेशन से हमें मिलेगा 100 पिक पर मिनट, पीपीएम पिक पर मिनट ये मिला हमें। ऐसे इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे, पर रिपीट करने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए आपको यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया और इसका रिजल्ट पीपीआई दिखाया। और लूम स्पीड निकालने के लिए या पीपीएम निकालने के लिए, पिक पर मिनट जानने के लिए हमने इसका कैलकुलेशन दिखाया यहाँ पे, इसका रिजल्ट यहाँ पर है। अब हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन दिखाना है कि पर आवर प्रोडक्शन क्या है मेरा। तो 64.32 और 100, ये दोनों रिजल्ट हमने दिखाए हैं। पहला जो है 64.32 ये पीपीआई है पिक पर मिनट, सॉरी पिक पर इंच, और दूसरा यहाँ पे 100 दिखाया पीपीएम यानी पिक पर मिनट। अब इसका रिजल्ट हमने 36 यहाँ पे लिखा है, ये क्यों कि इसका रिजल्ट हमें जानना है यार्ड में, गज में। तो इसके लिए हमने 36, 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच, तो इसलिए हमने 36 यहाँ पे लिखा है। 1 यार्ड में या 1 गज में 36 इंच या 36 इंच होता है, इसलिए हमने 36 लिखा। और यहाँ पे हमने 60 दिखाया है, यहाँ पे हमने 100 दिखाया था 1 मिनट का, यहाँ जो हमने दिखाया था पीपीएम पिक पर मिनट, यहाँ पे 100 दिखाया था। तो यहाँ ये 100 हमने जो दिखाया आपको 1 मिनट का, 1 मिनट का पिक हमने दिखाया था। तो यहाँ पे 60 मिनट हमने दिखाया, 60 मिनट 1 घंटे के लिए, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए हमने यहाँ पे 36 और 60 यहाँ पे हमने नोट किया।
और इन सब के कैलकुलेशन से हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो यार्ड में 2.97 यार्ड। और दोस्तों पीछे हम जाना चाहते हैं, यहाँ पे तो बहुत सिंपल वे में हमने कैलकुलेशन करके दिखाया था 64.32, पर इसमें हमने जब लूम से कपड़ा उतरता है तो उसमें पिक ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हमने पिछले वीडियो में 1.5% हमने और ऐड किया था, बढ़ा दिया था इसमें। और इसमें भी PPM में, पिक पर मिनट में लगातार लूम एक घंटा चलता है, ये तो एक मिनट का है, पर प्रोडक्शन हमें इसमें भी कुछ कमी आ जाती है, स्लिपेज के नाम से कुछ कमी कर दी जाती है, पर हमने पूरी गिनती यहाँ पे भी दिखाया और यहाँ भी दिखाया। और यहाँ पे हमने दिखाया 2.97 यार्ड हमारा एक घंटे का प्रोडक्शन है, तो हमें भी यहाँ पे कुछ कमी करना पड़ेगा, लगातार लूम इतना देर हर घंटे इतना प्रोडक्शन नहीं देगा, तो इसमें भी हमें कुछ कमी लानी होगी। पर सिंपल वे में हमने इसका कैलकुलेशन आपको दिखाया है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे अगर हमें प्रोडक्शन यार्ड में लिखा हुआ, हम मीटर में जानना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, तो इसी चीज़ को जानने के लिए हमने यहाँ प्रोडक्शन इन यार्ड दिखाया था, अब यहाँ पे प्रोडक्शन इन मीटर, मीटर में हम जानेंगे, वही काम यहाँ पे भी करना है, पर एक और हमने यहाँ पे बढ़ा दिया गिनती 1.093614। यहाँ पे ये रिजल्ट जो आएगा मीटर में आएगा, हम दिखाते हैं अभी, और 1.093614 ये क्यों लिखा हमने, तो एक मीटर बराबर, एक मीटर, वन मीटर इज इक्वल टू 1.093614 यार्ड। और हम यही काम दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, यहाँ 1.09 को हटा करके हम सिर्फ यहाँ पे 39.37 भी लिख सकते थे, 39.37 क्यों, यहाँ पे एक यार्ड का 36 इंच, जो 39.37 हम लिखते वो एक मीटर का होता, पर दोनों तरह से चाहे ऐसे पहले तरह टेक्निक से या दूसरी टेक्निक से जो भी हो, हमें सारा इन्फॉर्मेशन देना है तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। ये हमारा रिजल्ट है यहाँ पे मीटर में, और ऊपर जो रिजल्ट हमने दिखाया है यार्ड में। तो जैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे है वर्ड मीटर में निकालें और या फिर यार्ड में देखिए, दोनों एक ही बात है, जैसा आप चाहें। और फिर हम इसको यहाँ पे हम दिखाते हैं, दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हमने कही, यहाँ पे हमने दिखाया है वही चीज़ जो हमने बोर्ड पर दिखाया था, पिक पर मिनट, और यहाँ पे 80 से लेकर हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर 120 तक पिक पर मिनट, पर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा PPM है, यानी पिक पर मिनट यहाँ पे है 100 और PPI है 64.32, यहाँ पे हमने दिखाया। और
इसी रो में 60.4.32 में इसी रो में हमने और 100 के नीचे यहाँ पे फिट पर मिनट 100 लिखा हुआ, इसके नीचे हमने यहाँ दिखाया है आपको ये 2.98, ठीक है। अभी 2. चूँकि हमने डिजिट कम किया है, डिजिट और बढ़ा देते हैं तो ये हो गया 2.978। तो जो भी हमने रिजल्ट दिखाया था 2.97 था यहाँ पर, तो यही यहाँ पे है इंफॉर्मेशन 2.97। और दोस्तों हमने कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे ऐड की हैं, वहाँ पे हमने बोर्ड पर आपको नहीं दिखाया पर यहाँ पे रेशियो दिखाया है। यहाँ पे 3 कॉलम हमने और दिखाए हैं, बल्कि 3 नहीं 5 कॉलम हमने दिखाए हैं अलग से। पहले में रेशियो दिखाया, रेशियो में हमने यहाँ पे दिखाया है कि अगर ये 50 और ये 120 है, तो अगर ये हम 50 को फिट पर इंच अगर हम ये 1 मानते हैं और ये 120 है, तो ये कितना आता आएगा। तो 50 से डिवाइड करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं हम 120 में, तो 2.4 आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं 120 में तो कितना आएगा। तो 60 के सामने यहाँ पे आप देखिए ये 2, यहाँ पे 60 और 120 एक और दो का रेशियो बनता है, तो यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे दिखाया आपको, बिल्कुल सेंटर में आप देखिएगा 2 दिखाई दे रहा है आपको, तो ये रेशियो है। अब एक तीसरा एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर है 64.32, 64.32 है और 120 है, इसका कितना रेशियो बनता है, 1.87 रेशियो बनता है। तो यहाँ पे हमने PPI और PPM का जो रेशियो बनता है 64:32 और 120 का जो रेशियो बनता है वो यहाँ पे हमने कोशिश किया दिखाने का, तो 1.87 इसका रेशियो आ रहा है। और दूसरा परसेंटेज में है वो हमने दिखाया, परसेंटेज में ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि ये ऊपर जो लास्ट है 2.78 है और नीचे 2.89, ये जो डिफरेंस है परसेंटेज में 4% का डिफरेंस है, 2.78 से 4% ये ज़्यादा है और 2.89 हो गया। ये सभी कॉलम के लिए ऐसा है, माना जिसमें हमने 100 दिखाया था PPM, तो 2.31 और 2.41 ये 4% ये नीचे की गिनती ज़्यादा है। 2.31 में 4% हम ऐड करते हैं तो ये 2.41 आएगा। तो ऐसा किसी भी कॉलम के लिए ऐसा नियम है। यहाँ पे यहाँ पर 2.04 दिखाया और इसमें 4% या 4% हम ऐड करते हैं तो 2.12 आएगा। तो ऐसा जो है
हर एक कॉलम के लिए है। तो ये डिफरेंस हमने दिखाया। और एक चीज़ और यहाँ पे हमने दिखाया, वो हमने यहाँ पे सिंबल या निशान दिया डिफरेंस का। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 0.05 का डिफरेंस आ रहा है एक सेल से, इस रो में एक सेल से दूसरे सेल में जो डिफरेंस आ रहा है 0.05 का डिफरेंस है। अच्छा, जो यहाँ पे हम दिखाते हैं फिर 64.32 में कितने का डिफरेंस है वो हम दिखाते हैं, एक सेल से 0.06 का डिफरेंस है। और ऐसे ही नीचे भी हमने दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, 80 में 110 से डिवाइड किया था, तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो आता है 80 और 110 का, 110 का, तो 0.73 आ रहा है। और दूसरे में है 0.75। इस तरह से ये रेशियो जो है आगे चला जा रहा है। बढ़ता चला जा रहा है और लास्ट में वन पॉइंट ज़ीरो नाइन आया। 120 को हमने डिवाइड किया है 110 से, तो इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है 1.09 आया। परसेंटेज भी इसी तरह से है। ये यहाँ पे जो हमने दिखाया गिनती 4.07 है और 4.18 है, तो कितना ज़्यादा है ये 2.5% ज़्यादा है। और इससे ये 4.28 तो कितना ज़्यादा है, ये 2.44% इससे जो है ये ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये चीज़ दिखाया, रेशियो भी और परसेंटेज में भी कितना घट रहा है, किस परसेंट से बढ़ रहा है। और यहाँ पे नीचे हमने दिखाया जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमने दिखाया एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पे एक कॉलम का, जैसे 80 है, इसका एक कॉलम का 80 जो कॉलम है इसमें जो है एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे हमने दिखाया। तो जो डिफरेंस है एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है 0.07। और ऐसे ही दूसरे कॉलम में भी है, जैसे 82 है यहाँ पर दिखाया हमने, तो 3.19 और 3.26 है। तो कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ पे कोशिश किया हमने दिखाने का कि 0.08 डिफरेंस है इन सब में भी। और यहाँ पे देखिए 104 वाले कॉलम में आप देखिएगा 4.04 और उसके नीचे 4.14, उसके नीचे 4.24, 4.33। तो ये एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है वो कितना यहाँ पर है, हमने कोशिश किया है 0.10, ये इतना डिफरेंस है। अब एक और दिखाते हैं एग्जांपल, 106 में 4.12, 4.22, 4.32, इसमें कितना आता है ये देखिए, यहाँ पे 5.5
5.10, 5.20, 5.30, 5.40, यानी बिल्कुल आसान गिनती में है, इस वजह से हमने दिखाया है यहाँ पे। तो 0.10 यहाँ पर है डिफरेंस। तो ये सब सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दिखाए, और यहाँ पे ये एक घंटे का प्रोडक्शन है दोस्तों, और एक घंटे का प्रोडक्शन है, और ये गज में है मतलब यार्ड में है या मीटर में है, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट किया हुआ है यार्ड में। और यहाँ पे आपको एक घंटे का प्रोडक्शन हमने दिखाया था, अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ से चेंज करके कितने घंटे का भी हमें चाहिए यहाँ पे हम नोट कर देंगे। अगर 2 हम लिखते हैं तो ये 2 आवर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, अभी तो एक, ये एक ही घंटे का। जब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ये इंटर करेंगे जब हम, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर 2 लिखा है और इंटर करेंगे तो मेरे ख्याल से 6 यार्ड के आसपास, अभी तो 3 यार्ड ये दिखाई दे रहा है, 2.97, तो 5.8 या 9 जो भी कुछ हो, देखिए 5.95 ये यार्ड है 2 घंटे का प्रोडक्शन है। और इसको हम वापस आते हैं, और यहाँ पे हमने वेस्टेज दिखाया, टाइम वेस्टेज अभी तो 0% हमने दिखाया है, पर यहाँ पे हमें वेस्टेज, टाइम वेस्टेज दिखाना पड़ेगा, और 10% 5% जो भी हो, हम यहाँ पे 10% फीड करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो अब वहाँ पे वेस्टेज ये माइनस कर देगा प्रोडक्शन को हमारे, 10% हमने नोट किया हुआ है, ये 2.68 आया। फिर हम वापस जाते हैं 0 पे, वापस आ गए 2.97। तो ये हमने जो फैसिलिटी दिया है इसमें कि कितने घंटे का हमें प्रोडक्शन देखना है और कितना परसेंटेज हमें टाइम वेस्ट दिखाना है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और एक और फैसिलिटी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉलम के बारे में दिखाया, रेशियो, परसेंटेज और डिफरेंस, और यहाँ पे लास्ट में हमने दिखाया कन्वर्सन। ये मैट्रिक्स सिस्टम है, पहले कॉलम में यहाँ पे कन्वर्सन के पहले कॉलम में बाएं कॉलम में हमने मैट्रिक्स सिस्टम से दिखाया इंच को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2.97 यार्ड है, तो 97 का मतलब हम कितना लगाएं, कितना समझें, तो 2. तो समझ में आ रहा है कि 2 यार्ड है, और उसके बाद कितना इंच होगा, तो 97 को हमने नीचे दिखाया, दिखाते हैं आप आपको, नाइन सेवन यहाँ पे नहीं है पर 9.8 है। इसका मतलब है अबाउट 35 इंच के आसपास। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि 50 तो मालूम समझ में आता है, अभी 50 भी हम दिखाते हैं, 4.50, ये समझ में आता है कि 4.5 है, यानी
4.5 गज 4.5 यार्ड। तो ये भी समझ में आता है कि ये 4 गज और 18 इंच हुआ, सिंपल गिनती है इसलिए समझ में आ गया, मालूम हो गया। पर 7.9 लिखा हो या 6.9 लिखा हो या 7.7 लिखा हो तो या फिर 8 लिखा हो, 8.1 लिखा हो, 4.3 कोई भी गिनती हो यहाँ पे, तो ये इन्फो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कन्वर्सन में। अगर 6.4 लिखा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ है, 6.4 यहाँ पे हमने दिखाया 6.4 है तो 23 इंच। तो सबका यहाँ पे कन्वर्सन हमने दिखाया है कि 1 इंच बराबर कितना यार्ड होगा, यहाँ पे हमने दिखाया है मैट्रिक सिस्टम में। अगर कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो यही इन्फॉर्मेशन आएगा, रिजल्ट आएगा। 2 इंच का मतलब क्या हुआ, तो 0.06 का मतलब है 2 इंच। थैंक्स दोस्तों।